डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बयान पर कही बड़ी बात। अलवर में विजय दिवस पर मंत्री टीकाराम जूली ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। बांसुर में 2 साल 2 महीने की वर्षिता को नया जीवन दान मिला। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से दिल का हुआ सफल ऑपरेशन। और खबरें विस्तार से। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी जयपुर में है। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा के विजन के साथ मीडिया के तमाम सवालों के जवाब दिए। मीडिया ने जब यह सवाल पूछा कि यात्रा की राजस्थान में एंट्री के बाद कोई बयानबाजी नहीं हो रही, तो कांग्रेस पार्टी एकजुट है, लेकिन यात्रा जैसे ही राजस्थान से गुजर जाएगी उसके बाद भी एकजुटता रहेगी या फिर बयानबाजी शुरू हो जाएगी। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि ये बात सिर्फ राजस्थान की नहीं, हमारा जो कार्यकर्ता है, जो सड़क पर लड़ता है, जो लोअर स्तर का नेता है, उसे हमें भागीदारी देनी है, उसकी बात हमें सुननी है। जो बयानबाजी की बात होती है वो मीडिया वाले लिखते रहते हैं, हमारी व्यवस्था में कोई कंफ्यूजन नहीं, पार्टी में तानाशाही नहीं है। अगर अलग अलग विचारों पर चर्चा और बयान होते तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बयान से ज़्यादा नुकसान न हो, लेकिन अगर कोई नेता बोलना या कुछ बोलना चाहता है तो उसे दबाना नहीं चाहते। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान पहला राज्य है जहाँ कांग्रेस सत्ता में है। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक मुझे ये समझ आया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश में कहीं कमी नहीं, सभी लोग कांग्रेस पार्टी से बेहद प्यार करते हैं, हर राज्य में लोगों का समर्थन मिला। जब यात्रा शुरू हुई तो मुझे लगा कि केरल में संगठन मजबूत है, मुझे लगा केरल में समर्थन सबसे बेस्ट है, लेकिन बाद में कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक जो समर्थन मिला वो जबरदस्त था। राजस्थान में कुछ योजनाओं के बारे में लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग छोटी छोटी शिकायतें भी करते रहते हैं, लेकिन ये बातें तो चलती रहती है। भरतपुर जिले के ब्याना से खबर है जहां पंचायत समिति शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिक संघ ब्याना के सैनिकों ने विजय दिवस मनाया। पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष बलराम कामर ने बताया कि विजय दिवस कार्यक्रम भारत में हर वर्ष 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत ने जीत हासिल की थी। इस वर्ष देश में 51वां विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर युद्ध के दौरान शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य स्मारक पर उपस्थित पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष बलराम कामर, कैप्टन मान सिंह कसाना, सूबेदार मेजर प्रेम सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। झालावाड़ जिले के चौमेला से खबर, जहां कस्बे में स्वाभिमान यात्रा का जोरदार स्वागत। ठाकुर जीवन सिंह बोले, यह आम यात्रा नहीं, देश के स्वाभिमान की यात्रा है। 8 जनवरी को भोपाल में यह आंदोलन होगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण, एंट्रोसिटी एक्ट में संशोधन, गोमाता को राष्ट्रीय माता घोषित करना व खाद बीज के मूल्य पर नियंत्रण जैसी करीब 21 सूत्रीय मांगों के समर्थन में रकरणी सेना परिवार की ओर से स्वाभिमान यात्रा शुक्रवार को चौमेला कस्बे में पहुंची, जिसका चौमेला कस्बे में जोरदार तरीके से गंगदार क्षेत्र के राजपूत समाज संगठन व राष्ट्रीय परशुराम सेना, जैन समाज व बंजारा समाज ने स्वागत किया। अलवर शहर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के अवसर पर विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आर्मी स्टेशन कमांडर मंत्री टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलवीर छिलर, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने युद्ध में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी परास्त किया, जिसके बाद पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि 16 दिसंबर 1971 को पूरा देश विजय दिवस के रूप में मनाता है। उन्होंने इस दौरान 4 शहीद की वीरांगनाओं को वेदो युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों का सम्मान किया। जूली ने कहा कि देश के लिए शहीद होना गर्व की बात है,
हमें सर्वप्रथम देश की रक्षा को अग्रणी रूप से मानकर देश की सेवा करनी चाहिए। सोलह दिसंबर इतिहास के दिनों में एक ऐतिहासिक दिन है और आज का ये वो दिन है जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, बांग्लादेश को आजाद कराया था। और ये दिन इसलिए भी खास है कि हमारी सेना के जाबाज सिपाहियों ने जो करिश्मा करके दिखाया वो कोई छोटी बात नहीं थी कि 93,000 सैनिक पाकिस्तान के घुटनों के बल बैठा कर उनको सरेंडर कराया गया। पानसुर में एसडीएम राहुल सैनी ने बताया कि जिला कलेक्टर अलवर के निर्देश पर जोधपुर जिले में गैस सिलेंडर विस्फोट के कारण घटित हुई दुर्घटना को लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एसडीएम कार्यालय पर बानसूर में संचालित मेरी छोम होटल रेस्टोरेंट पेट्रोल पंप और कैटर्स संचालकों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने विवाह स्थल, समारोह स्थल, होटल रेस्टोरेंट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में उपयोग किए जा रहे व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों के सत्यापन और एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और दुरुपयोग व अग्निशमन यंत्रों की सुनिश्चितता को लेकर दिशा निर्देश दिए। केटरर्स हैं उन सब की हमने मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में हमने उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि एक तो जो गैस सिलेंडर हैं अगर कमर्शियल काम कर रहे हैं तो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स ही यूज़ करें। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशर्स अगर उनके वहाँ नहीं है तो वो इंस्टॉल करवाएं सारे मैरिज गार्डन, सारे जहाँ भी एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं उन फायर एक्सटिंग्विशर्स का रेगुलर मेंटेनेंस हो। और स्टाफ शुड बी वेल ट्रेन्ड, स्टाफ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि किस तरह से उनको इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है। बानसूर में 2 साल 2 महीने की वर्षिता को नया जीवन दान मिला है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बानसूर उई के कराना की 2 साल 2 महीने की वर्षिता को नया जीवन दान मिला है। वर्षिता के दिल में छेद होने पर 14 दिसंबर को एंड्स हॉस्पिटल जयपुर में राज्य सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से दिल का सफल ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद वर्षिता बिल्कुल स्वस्थ है। बानसूर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि राष्ट्रीय बाल दिवस स्वास्थ्य कार्यक्रम में बानसूर की 21 अक्टूबर 2021 को कराना के आंगनबाड़ी सेंटर 3 पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंची थी। वहां पर 1 साल की वर्षिता की स्क्रीनिंग की गई जिसके हृदय में संबंधित रोग यानी दिल में छेद से पीड़ित थी, जिसके टीम प्रभारी डॉक्टर ओपी यादव ने आरबीएस के रेफरल कार्ड बनाकर वर्षिता को अलवर जिला चिकित्सालय के लिए भेजा। वर्षिता के पिता चंद्रशेखर ने शिशु चिकित्सालय अलवर दिखाया जहां नोडल अधिकारी डॉक्टर हीना वर्मा ने एंड्स अस्पताल जयपुर में ऑपरेशन के लिए 12 दिसंबर को भेजा, जहां 14 दिसंबर को वर्षिता का सफल ऑपरेशन किया। वहीं ऑपरेशन के बाद वर्षिता पूर्ण रूप से स्वस्थ है। वर्षिता के पिता चंद्रशेखर ने बताया कि वर्षिता जन्म से ही इस बीमारी से पीड़ित थी। बेटी का इलाज कराने के लिए इतने रुपए नहीं थे, इसका इलाज करवाते, लेकिन राज्य सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और जिला चिकित्सा व बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव की टीम के सहयोग से आज मेरी बेटी का सफल ऑपरेशन हुआ और उसे एक नया जीवन मिला है। वहीं बानसूर के मालाखेड़ा में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां शहर में पैदल यात्रा भी निकाली जाएगी। बानसूर के पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के तहत अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शहर में पैदल यात्रा निकाली जाएगी, जिसको संपूर्ण जन सहभागीदारी से सफल बनाने के लिए राजस्थान भवन वन्य सहनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य कृष्ण गोपाल कौशिक ने इसके लिए बानसूर विधानसभा क्षेत्र के आलनपुर, मलुवास, माजरा, नरूका, बसई, हरसोरा सहित धीरपुर सहित अनेक गांवों में जनसंपर्क कर ग्रामवासियों को पीले चावल बांटकर स्वागत कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आने का न्योता दिया। बस्सी से खबर, जहां बस्सी इलाके के बांसखो कस्बे में चोरों ने किराना स्टोर की दुकान के ताले तोड़कर निशाना बनाया। चोरों ने यहां से बीड़ी, सिगरेट समेत अन्य सामान चुरा ले गए। सूचना पर जटवाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची व घटनास्थल का मौका मुआयना किया। ग्रामीणों ने पुलिस से चोरों की गिरफ्तार कर खुलासे की मांग की है। बताया जा रहा है कि जटवाड़ा में जितेंद्र कुमार, विवेक कुमार किराना स्टोर के नाम से दुकान है। दुकान मालिक गिरिराज प्रसाद रात को दुकान बंद कर गया था, सुबह आकर देखा तो दुकान के ताले टूटे हुए मिले।
जोधपुर से खबर, जहां शेरगढ़ के भूमडा गांव में हुए गैस त्रासदी की घटना के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहयोग देने के लिए किसान मोर्चा जिला महामंत्री डॉक्टर के आर डेउकिया ने 1,01,000 रुपए के आर्थिक सहयोग पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता, भाजपा देहात उत्तर के अध्यक्ष मनोहर पालीवाल, भाजपा देहात दक्षिण के अध्यक्ष जगराम बिश्नोई सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डौकिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी होने के बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से कोई भी बड़ी राहत पैकेज घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के लिए 20 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज देने व मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी देने और गैस सिलेंडर कंपनियों से प्रत्येक रविवार परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश इस घटना के बाद शोक की लहर में है, लेकिन राज्य सरकार अपने 4 साल पूरा होने का जश्न मना रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग किया कि वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, लेकिन उन्हें थोड़ा समय निकालकर शेरगढ़ के भूमरा गांव में जाना चाहिए ताकि दिलों को जोड़ा जा सके। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर,